दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग चैनल पे, जो कि मैं आज करने वाली हूँ हॉस्टल टूर पटना में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग ना पटना में रहते हैं गर्ल्स हॉस्टल में, तो ये पूरा हॉस्टल है, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, मतलब एक्सप्लोर करने वाली हूँ ये गर्ल्स हॉस्टल है कैसा है, हम लोग का रूम कैसा है और ये पूरा हॉस्टल कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, बहुत जगह मैं देखती हूँ कमेंट में लोग पूछते रहते हैं कि मतलब स्टूडेंट लोग कैसे रहते हैं और कहाँ पर क्या मिलता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बस अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल के नीचे, तो मैं आपको नीचे से पूरा ऊपर तक सब कुछ, छत तक, मतलब सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग नीचे में हैं, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का गेट है, हाँ, जो कि मेन गेट समझ लीजिए, इसी से मेन गेट तो वो है उधर, मतलब उधर से ये अंकल लोग का कार है ना, मतलब मेरे ऑनर का, वो निकलता है वहाँ से, लेकिन हम लोग को जाने के लिए ना ये छोटा सा गेट है जिसमें इसमें हमेशा ताला लगा हुआ रहता है, जो कि इसको खोल के जाना रहता है और उधर बगल में एक डायरी रहता है, उस पर लिख के जाना रहता है आप कहाँ गए नहीं गए। तो यहाँ पे जो ताला रहता है वो रात को चेंज हो जाता है, ताकि मतलब 9 बजे के बाद लड़की लोग बाहर ना निकले। मुझे देखा, हाँ, तो ये ताला ना रात को चेंज हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा देती हूँ, नीचे में भी बहुत सारा रूम है, आप देख सकते हो इधर बेसिन है, जो कि नीचे की लड़कियाँ जितनी, मतलब जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे रहती है ना, वो सारा बर्तन यहीं पे धोती है। और नीचे में एक दुकान भी है, जो भैया रहते हैं दुकान में, और हो जाता है ना कभी कभी कुछ खाने का मन किया आपका, तो हो जाता है कभी कभी खाने वाने का मन करता है आप, 10 बजे रात को हम गर्ल्स तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। भैया अंदर है, मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं हम देख गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे रूम है, थोड़ा सा आपको अंधेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर ऑफकोर्स यार हर जगह अंधेरा आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट लाइट वाइट है यहाँ पे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो ना, ऊपर की तरफ बढ़ते हो, तो आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी, मतलब नेचुरल लाइट मिलेगी आपको देखने को। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, और हम लोग इसी फ्लोर पे रहते हैं, हाँ, जो कि सेकेंड फ्लोर है। यहाँ पे जो आपको विंडो दिख रहा होगा, ये हम लोग के रूम का है, और यहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं, जितनी भी इस फ्लोर की इधर साइड की जितनी भी लड़कियाँ हैं सब इधर ही ब्रश करती है। और ये छोटा सा किचन है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, बेचते भी लेते हैं हम लोग, हाँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक भी लाइट नहीं जल रही है, मतलब LED बल्ब ना नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं जल रही है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे आ रही है, नेचुरल लाइट ऊपर में ना हर जगह रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको रोशनी आएगी, मतलब नेचुरल लाइट्स आएगी। और इसलिए ना हम लोग नीचे में रूम नहीं लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, और हर आपको हर हमेशा वो लाइट में पढ़ने का मन तो करता नहीं है, कभी कभी मन करता है ना कि मतलब नेचुरल लाइट में भी थोड़ा सा पढ़ सके। तो हम लोग का जो यहाँ पे विंडोज़ है ना, ये आप देख सकते हो, इसको अगर खोल देना तो वैसे यहाँ पे एक बड़ा सा विंडोज़ है किचन के पास, तो आपको अच्छी खासी लाइट आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार दिन में पढ़ने में। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, अगर आपको इस हॉस्टल में रहना है तो इस सारे रूल्स को मतलब मानना ही पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा यार। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर मैं अपना रूम आपको दिखाऊंगी, ये मेरे रूम जाने का रास्ता है इधर से, जहाँ पे गाइस हम लोग का रूम, जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है लिए हैं, मतलब एक ही बेड मिलता है बेसिकली, लेकिन हम लोगों ने दोनों सेट कर दिया है, तो ये बड़ा सा आपको लग रहा है डबल बेड की तरह, और ठंडी का मौसम है तो ये, और यहाँ पे आपको ये हमेशा मिलेगा, क्योंकि हम लोग का फोन कभी चार्ज ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चार्ज होने ही नहीं देते हैं यार। और यहाँ पे रचना वीडियो बनाती है, ये इसका सेटअप है, बट उससे ज्यादा इसका दिखता ही नहीं है, इससे ऊपर कभी दिखने ही नहीं देती मैं, क्योंकि बहुत खराब लगता है यार, कौन दिखाता है। तो कुछ इसी तरह का दिखेगा आपको, और यहाँ पे हम लोग के भगवान जी, हाँ, लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ थे यार अब जैसे ही रूम से निकलते हो ना, तो आपको ये बड़ा सा यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पेस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पता है आपको बहुत जिसका भी बर्थडे होता है ना, वो यहाँ पे ही सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है डांस वांस करने के लिए सबको। मैं अपना फाइनली बालकनी भी आपको दिखाई देती हूँ, बहुत बड़ा सा बालकनी तो नहीं है, बट ठीक है यार, कभी कभी मन करता है यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करने का, तो बड़ा अच्छा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का वॉशरूम है, ज़्यादा मत दिखाओ एक फ्लोर में कितना रूम है, मैंने आज तक काउंट ही नहीं किया
इधर के साइड दिखा दो थोड़ा। कितना बड़ा है आप देख सकते हो। इधर भी बहुत सारा रूम है बट अभी कोई नहीं। हाँ इधर ना फ्लैट टाइप का है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सा रूम है। एक रूम, दो रूम, तीन रूम, इधर भी एक रूम है। ये बाथरूम है, यहाँ पे बालकनी है बट इस बालकनी का ना कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके बगल में घर है यार, घर थोड़ी ना देखना है बालकनी से। हम लोग का जो रूम है ना वो उस वाले पार्ट में है और ये इस वाले पार्ट का जो भी दो तीन रूम है इधर का, इधर की लड़कियाँ यहाँ पे खाना बना सकती है। आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत बड़ा सा किचन है। हम लोग के इधर जो किचन है ना वो छोटा सा है बट यहाँ का किचन बहुत बड़ा है क्योंकि रूम भी बड़ा बड़ा, किचन भी बड़ा बड़ा, सब कुछ बड़ा बड़ा है यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। ये देखिए मैं उल्टा उल्टा चल रही हूँ।